31 अक्टूबर का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि 5 दिनों की दीपावली पूजन में 31 अक्टूबर को आपको दीपावली की पूजन करना है, दिवाली की पूजन करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में शिव चर्चा हुई थी उसमें दीपावली की पूजन की संपूर्ण विधि बताई थी, उसी विधि को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने घर के भंडार भरने के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए रात्रि के 11:30 से 12:30 बजे के बीच एक विशेष उपाय करने को कहा था, जिसे आपको 31 अक्टूबर की रात्रि को करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, 3 वृक्षों के नीचे किया जा सकता उपाय है। कैसे करना है उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले सरल पूजन विधि देख लीजिए जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है। गुरुजी ने कहा आपने धनतेरस की पूजन की, नरक चौदस की पूजन की, उसके बाद दीपावली की पूजन भी आपको वैसे ही करना है, शुरुआत जैसे आपने शुरू के 2 दिनों में की। अर्थात आप अगर पूजन की सामग्री या पूजन का पाटा उठाए नहीं है, रखा है आपका वहीं पे, तो आपको फिर से सभी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने उठा लिया है तो आपको फिर से पाटा के नीचे चौक बनाना है, गेहूं के दाने अर्पित करना है, उसके बाद आपको उसके ऊपर पाटा रखना है, चौकी रखना है, उसके ऊपर कपड़ा रखना है, उसके ऊपर आपको एक प्लेट रखना है, उसमें स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें चावल के दाने अर्पित करना है, उसके बाद आपने जो 2 सिक्के रखे हैं उन दोनों सिक्कों को उसमें रखना है। इसके साथ ही आपको यहाँ से पूजन शुरू करना है, अर्थात अगर आपके पहले से रखे हैं तो आप सीधे यहाँ से जो अब मैं पूजन बताऊँगा आप वह करना शुरू कर सकते हैं। दीपावली के दिन आपको 2 अखंड दीपक जलाना है। अखंड दीपक से तात्पर्य यह है ऐसे दीपक 2 बनाना है आपको जो बड़े होना चाहिए, दोनों में लंबी बाती का उपयोग करना है, एक घी का होना चाहिए, एक तेल का होना चाहिए, और यह दीपक आप एक बार प्रज्वलित करें तो रात भर जलते रहें, इतना आपको उसके अंदर घी और तेल रखना है। इसलिए दीपक का साइज भी आपको बड़ा रखना है ताकि आपको उसको बार बार घी या तेल ना बदलना पड़े। अभी तक आप जैसे दीपक रखते आए हैं, मतलब सिक्कों के राइट साइड में सीधे हाथ की ओर आपको घी का दीपक रखना है, उल्टे हाथ की ओर मतलब लेफ्ट साइड में सिक्कों के आपको तेल का दीपक रखना है। सिक्के माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए हम सिक्कों की पूजन अर्चन कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। दोनों दीपकों को प्रज्वलित करने के बाद आपने सिक्कों के ऊपर हल्दी, कुमकुम, रोली, अबीर सब चीज़ें अर्पित कर देना है। थोड़ा सा मोली या कच्चा सूत भी वस्त्र के रूप में अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठें उन सिक्कों के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपने जो हल्दी की गांठें और कमलगट्टे और अमरबेल अर्पित की है, इनके ऊपर भी आपको रोली या कुमकुम और हल्दी जो पिसी हुई होना चाहिए उन्हें अर्पित करना है। इसके साथ ही दीपावली की पूजन में आपको खड़ी हरी मूंग के दाने अवश्य इन सिक्कों पे अर्पित करना है, मतलब माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। इसके साथ ही आप खड़ा धना, मतलब धना पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, वह खड़ा धना कहलाता है, तो हरी मूंग, खड़ा धना और गुड़ भी माता लक्ष्मी को आपको अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको इस दिन लाल पुष्प, हल्दी, कुमकुम, पीले चावल भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, मतलब सिक्कों में आपको यह सभी सामग्री अर्पित करना है जो अगर आपने आने वाले जो दिन है उसमें करें या ना करें, पर दीपावली के दिन आपको हरी मूंग, खड़ा धना, गुड़, लाल पुष्प, हल्दी, कुमकुम और पीले चावल, यह 7 सामग्री है जो आपको माता लक्ष्मी को इस दिन अवश्य करना चाहिए अर्पित। इसके बाद आप जो घी का दीपक है उसे उठाकर आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद उस दीपक को आप वहीं पर रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको दीपावली की पूजन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने करने को कही है। इसके साथ ही आपको दीपावली की रात्रि में भी गुरुजी ने एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है दीपावली की रात्रि में, मध्य रात्रि में आपको एक सरल आसान उपाय करना है। धन संपदा के लिए, घर के भंडार भरने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको दीपावली की रात्रि में, मतलब 31 अक्टूबर की रात्रि में 11:30 से 12:30 बजे के बीच में कर लेना है, मतलब आप 11:30 बजे के बाद यह उपाय कर सकते हैं और 12:30 बजे के पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है। 3 वृक्षों के नाम बताए हैं गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा है पीपल, बेलपत्र, आंवला। आपको इन 3 वृक्षों के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन 3 में से जो भी वृक्ष आपके घर के नज़दीक में हो उस वृक्ष के नीचे जाना है और एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है।
अब यह जो दीपक बनाएंगे वह आप आटे का बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप मिट्टी के दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं, पर आटे का बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और इस दीपक में आपको घी का उपयोग करना है, देसी गाय के घी का उपयोग करें, साथ ही आप इस दीपक में लंबी बाती का उपयोग करें। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा आप वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कीजिए, हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कामना कीजिए, हमारे घर पे वास कीजिएगा, हमारे घर पे पधारिएगा और हमारे घर के भंडार भर लीजिएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको सीधे अपने घर आ जाना है, पलट कर नहीं देखना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आप घर आ जाए, घर आने के बाद आप जो दीपावली की पूजन करेंगे उसमें आप सिक्कों का उपयोग तो करते ही हैं, इसमें हम वे सिक्कों की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें आपने मोली लपेटे हैं, उन सिक्कों को आपको नहीं उठाना है ना ही उनकी मोली हटाना है, क्योंकि उनको आपको 5 दिनों तक पूजन करना है और 5 दिन की पूजन के बाद ही उन सिक्कों को आपको अपनी अलमारी में विशेष तरीके से रखना होता है। अगर आप वह वीडियो भी देखना चाहते हैं जिसमें हमने आगे की भी पूजन विधि बताई है, अर्थात गोवर्धन पूजन और यम द्वितीया पूजन, तो उस वीडियो की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, वह वीडियो आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं, उसमें आपको 5 दिनों की पूजन एक वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अभी हम सिर्फ दीपावली की रात्रि की बात करेंगे, तो हम आपको बता दें आप पूजन में कहीं ना कहीं सिक्के तो अवश्य अर्पित करेंगे, आप अगर माता लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप जो सिक्का अर्पित कर रहे हैं तो घर आने के बाद आपको उस एक सिक्के को पूजन के स्थल से उठा लेना है। अगर नहीं करते हैं तो आप 1 का 2 का 5 का 10 का सिक्का पूजन में अवश्य शामिल करें, यह सिक्का माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप अपने घर के नोट या सिक्के पूजन में शामिल करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, अर्थात यह माता लक्ष्मी का ही पूजन अर्चन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप अपने पूजन में, माता लक्ष्मी के पूजन में सिक्कों को अवश्य शामिल करें। इसके बाद गुरुजी ने कहा है जब आप 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल, बेलपत्र, आंवले में से किसी एक वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक प्रज्वलित करके जब घर आएंगे तो पूजन में उपयोग किए हुए किसी भी एक सिक्के को आपको उठा लेना है और उस सिक्के को अपने घर में चारों ओर घुमा लेना है। घर में जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों में घुमा लेना है, वॉशरूम में नहीं ले जाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरे घर में उस सिक्के को घुमाने के बाद उसे आपको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में रख लेना है, या फिर आप व्यापार वाले स्थान में भी उस सिक्के को रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगले वर्ष हम आपसे पूछेंगे कि आपका भंडार भरा कि नहीं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे आपको 31 अक्टूबर की रात्रि में करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, सरल और आसान पूजा विधि है। वीडियो से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।